हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप इस वानर से इतना भयभीत क्यों हो रही हैं? हाँ, ये कोई सचमुच का हनुमान थोड़े ही है। अभी कुछ ही क्षणों में इसकी सारी की सारी हनुमानी नष्ट हो जाएगी। हे दुराचारी पांडुरंग, मैं भी तेरा वध कर सकता हूं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। पांडुरंग, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। अनजाने में पांडुरंग मेरी ही भक्ति करता है। परंतु वो तो आपका विरोध करता है, आपके श्री कृष्ण अवतार को नकारता है और स्वयं को वासुदेव भगवान कहने की दृष्टता करता है। आपकी बातें भी सत्य है देवी, इसीलिए पांडुरंग की इस भक्ति को विरोधी भक्ति कहा जाता है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं और एक आदर्श पत्नी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि आपको विनाश की ओर पग धरने से रोकूं, आपको सत्य असत्य धर्म अधर्म का ज्ञान कराऊं। अच्छा, तो आप भगवान को भी सत्य असत्य धर्म अधर्म का ज्ञान सीखना पड़ेगा, वो भी तुम जैसी निर्बल स्त्री से। महारानी तारा, लगता है तुम उन कमल के फूलों के लिए इतनी उत्सुक हो रही हो। चिंता ना करो, त्रिविद उन्हें लेकर आता ही होगा। स्वामी, मुझे फूलों की चिंता नहीं है। फूलों की चिंता नहीं है? अच्छा, तो अवश्य तुम उस मायावी बूढ़े की बातों पर चिंतित हो रही हो जो हमें हमें भरे दरबार में चेतावनी देकर गया था। स्वामी, बूढ़ा कहकर आप उनका अनादर मत कीजिए। अच्छा, तुम अब तक उसे हनुमान समझती हो? हनुमान? मेरे या आपके समझने या ना समझने से क्या होता है, सत्य तो सत्य ही होता है। दिन को रात कहने से सूरज अंधेरे में तो नहीं छुप जाता, ना रात को दिन कहने से रात में सूरज उगता है। हम माने या ना माने, यदि वो हनुमान है तो है और नहीं है तो नहीं है। क्षमा करें स्वामी। यही बात आपके वासुदेव भगवान होने के बारे में भी कही जा सकती है। पागल बूढ़ा हनुमान हो या ना हो, तुम किसी हनुमान से कम नहीं हो। हमारी ही लंका को जला देना चाहती हो? नहीं स्वामी, नहीं, मैं तो आपकी पांडुरंग नगरी को बचाना चाहती हूँ, इससे पहले कि कोई हनुमान इसे जलाकर राख कर डाले। भगवान वासुदेव की नगरी को राख कर डाले? हम राख कर देंगे हनुमान को। बधाई हो भगवान वासुदेव, बधाई हो। दुर्योधनर आपके लिए एक विचित्र उपहार लेकर आ रहा है। विचित्र उपहार? अवश्य ही वो दिव्य कमल लेकर आया होगा। हाँ, नहीं मेरे कन्हैया, बिल्कुल नहीं, ये उससे भी बड़ा और विचित्र उपहार है। हाँ द्विज,
उस मायावी बूढ़े ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ ला रहा है। हाँ, जो अपने आप को हनुमान कहता था। हाँ, और अब उसने अपनी माया से हनुमान का रूप भी धारण कर लिया है। हाँ, ये हुई ना बात। दरबार में हमें चुनौती दी थी, चेतावनी दी थी, सबके सामने हमें झूठा कहा था। हम भी उससे बदला लेना चाहते हैं, भरे दरबार में उसकी हनुमानी का भांडा फोड़ना चाहते हैं और महारानी तारा को यह दिखाना चाहते हैं कि जिसे वो पवन पुत्र हनुमान समझती है वो एक बहुरूपिया है। हाँ, बहुरूपिया। वासुदेव भगवान, मैं आपके लिए संसार का सबसे विचित्र उपहार लेकर आया हूं। पवन पुत्र हनुमान, प्रणाम। हाँ, ये तो वही मायावी है और अब इसने हनुमान का रूप धारण कर लिया है। वाह दिलित, वाह। हम प्रसन्न हुए। इस नकली हनुमान को बंदी बनाकर तुमने यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम इस युग के सच्चे हनुमान हो और हम सच्चे भगवान। हाँ। इस नकली हनुमान को बंदी देखकर हम प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। पौंड्रक, तुम मूर्ख हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि हनुमान को कोई बंदी नहीं बना सकता। मैं पवन पुत्र हूं और पवन पुत्र और पवन को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। परंतु अब तो तुम हमारी मुट्ठी में आ गए हो और अब हम तुम्हें चुटकी में मसल देंगे, किसी मच्छर की भांति। मच्छर की भांति। नहीं स्वामी, ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। यदि ये हनुमान है तो हम भगवान हैं। हाँ, भगवान है। तुम्हारे भी और सारे संसार के भी। क्यों साथियों? वासुदेव भगवान पौंड्रक की जय। वासुदेव भगवान 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 की जय। पौंड्रक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धन के रास्ते पर आ जाओ और श्री कृष्ण को भगवान मान लो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का अवसर दिया था, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। दंड? हे वृद्ध वानर, तुम हमें दंड दोगे? तुम? अब देखो हम तुम्हें कैसे दंड देते हैं। मित्र दिवित, इस बूढ़े का अहंकार नष्ट कर दो। नहीं 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 नहीं, इसी को नष्ट कर दो, वध कर दो इसका। कर दो, वध कर दो इसका। कर दो, वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राता श्री, इन्हें समझाइए कि पृथ्वी लोक की महारानी के धैर्य को इतना दुर्बल
और निर्बल नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। हाँ, आप इस वानर से इतना भयभीत क्यों हो रही हैं? हाँ, ये कोई सचमुच का हनुमान थोड़े ही है। अभी कुछ ही क्षणों में इसकी सारी की सारी हनुमानी नष्ट हो जाएगी। स्वामी, मेरी बात मानिए, ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। आप अपना आदेश वापस लीजिए, आप अपना आदेश वापस लीजिए। आदेश? दुरित, हमारे आदेश का पालन करो। मत कर दो इसका। Oh!
श्री राम। चारी पांडुरंग, मैं भी तेरा वध कर सकता हूं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। पांडुरंग, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। वासुदेव कहने वाले पौंड्रक और उसकी नगरी के हनुमान ने क्या दशा कर दी है। यदि पौंड्रक ज्ञानी होगा तो आपका अनादर वो फिर नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। पौंड्रक सदा सर्वदा मेरा अनादर करता रहेगा, मेरा अपमान करता रहेगा और अपने आप को वासुदेव समझता रहेगा। प्रभु, पौंड्रक के स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो दो बार हनुमान से भेंट हो जाने के बाद अपने आप में परिवर्तन ले आता, आपकी शरण में आ जाता। देवी, पौंड्रक मेरी शरण में ही आया है। पौंड्रक आपकी शरण में? परंतु आपसे प्रतिशोध लेने की भावना पौंड्रक के मन में ज्वालामुखी की तरह दहक रही है। फिर वो आपके शरण में कैसे? देवी, भक्ति एक ऐसी भावना है जिसके कई रूप हैं। पहले किसी के मन में श्रद्धा जागती है और फिर यही श्रद्धा भक्ति में बदल जाती है। इसी तरह प्रेम भावना समर्पण में बदल जाती है और जब कोई किसी की महानता का गौरव करने लगता है तो अंत में यही गौरव आदर की भावना में बदल जाता है। समर्पण, आदर और प्रेम भक्ति के ही अलग अलग रूप है देवी। सभी भक्त एक जैसी भक्ति नहीं करते देवी। कोई समर्पण भक्ति, कोई आदर भक्ति, तो कोई प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति करता है और मुझ तक पहुंचता है। इसी प्रकार पौंड्रक भी अनजाने में मेरी ही भक्ति करता है। पौंड्रक और आपकी भक्ति, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, अनजाने में पौंड्रक मेरी ही भक्ति करता है। परंतु वो तो आपका विरोध करता है, आपके श्री कृष्ण अवतार को नकारता है और स्वयं को वासुदेव भगवान कहने की दृष्टता करता है। आपकी बातें भी सत्य है देवी, इसीलिए
पौंड्रक की इस भक्ति को विरोधी भक्ति कहा जाता है। मेरे अन्य भक्तों जैसा पौंड्रक भी मेरा आदर करता है, उसके मन में भी समर्पण की भावना है। वो मेरी भक्ति में इतना एक रूप हो गया है कि वो अपने आप को कृष्ण समझने लगा है। देवी, अनजाने में वो मेरी भक्ति कर रहा है और जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है। वाह प्रभु, वाह। पौंड्रक के बारे में इस तरह सोचना आपके विशाल और उदार हृदय का प्रमाण है। नहीं देवी, ये मेरी उदारता नहीं है। जो कह रहा हूं वो एक सत्य है। हर व्यक्ति परमात्मा में लीन होकर मुक्ति पाने की इच्छा करता है। हर मनुष्य मुक्ति पाने का अलग अलग मार्ग चुनता है। पौंड्रक ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा विरोध करने का मार्ग चुना है। इसी को मैं विरोधी भक्ति कहता हूँ। परंतु भगवान, आपके विरोध में पौंड्रक जो पाप कर रहा है उसके कारण वो तो दंड का पात्र है, और आप उसे मुक्ति देने की बात कर रहे हैं। देवी, जिस प्रकार पौंड्रक से पहले कंस मामा और शिशुपाल ने भी विरोधी भक्ति का मार्ग अपनाया था और मेरे दंड द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी, उसी प्रकार मेरा दंड ही तो पौंड्रक को पाप के इस चक्रव्यूह से निकालेगा और उसे मुक्ति देगा। वानर ने हमारी सारी पौंड्रक नगरी को शमशान बना डाला है। हाँ, शमशान, शमशान। पाखंडी ने हमारी भी दुर्गति कर दी है। अंग अंग में पीड़ा उठ रही है। उसका भाग्य अच्छा था कि मेरे पास हल नहीं था, वरना उसकी हड्डियां भी याचना करने लगती। वासुदेव, ये सब ठीक नहीं हुआ। आपने चारों दिशाओं में अपनी धाक जमा दी थी, उसे केवल एक वानर ने कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर दिया। हाँ काशीराज, उस धूर्त ने हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पौंड्र नगरी की गलियों में नीलाम कर दिया। हमारी प्रजा और हमारे श्रद्धालुओं के सामने उसने हमारा अपमान किया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हाँ काशीराज, हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। माफ कीजिए स्वामी, इतना विनाश हो जाने के बाद भी आप अपने झूठे मान अभिमान को छोड़ नहीं रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। महारानी तारा, चिल्लाइए मत, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। और एक आदर्श पत्नी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि आपको विनाश की ओर पग धरने से रोकूं, आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान कराऊं। अच्छा, तो आप भगवान को भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान सीखना पड़ेगा, वो भी तुम जैसी निर्बल स्त्री से? शांत हो जाइए वासुदेव, शांत। महारानी, आप व्यर्थ ही आतंकित होकर वासुदेव को चिंतित और क्रोधित कर रही हैं। नहीं भ्राताश्री, मैं महाराज को क्रोधित नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जिसने पौंड नगरी को हम सबके आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया, वो कोई मायावी वानर नहीं, वो साक्षात हनुमान थे।
नहीं तारा नहीं, वो कोई हनुमान वनुमान नहीं है, उस काले कृष्ण की माया है। हाँ माया है। हाँ महारानी, वासुदेव ने कृष्ण के पास दूत भेजकर उसे चुनौती दी थी, इसीलिए वो अपनी माया से हमें भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। हाँ काशीराज ठीक ही कह रहे हैं, ये कोई हनुमान नहीं था, ये तो कृष्ण की एक चाल थी जो हमें अपनी माया के चक्रव्यूह में फंसाकर डराना और धमकाना चाहता था और स्वयं युद्ध के विनाश से बचना चाहता है। परंतु अब मैं उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगा, उसकी माया को नष्ट कर दूंगा, उसके राज्य का विनाश कर दूंगा, उसको ऐसा दंड दूंगा कि तीनों लोग हिल जाएंगे। हाँ तीनों लोग हिल जाएंगे। से कैसे छूट गए? हाँ पांडरक, तुम मूर्ख हो मूर्ख, अरे इतना भी नहीं समझ सकते कि जिसने तुम्हारी इस नगरी, तुम्हारे इस विशाल राजमहल के साथ साथ तुम्हारे घमंड की चट्टान को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया है, उस समय ईश्वर की इच्छा से तुम्हारे कारागृह को भी ध्वस्त करके मुझे स्वतंत्रता प्रदान की है। हम तुम्हें फिर से बंदी बना देंगे। हाँ फिर से बंदी बना देंगे। भतीजे, तुम जितनी बार मुझे बंदी बनाते हो मैं उतनी बार छूट जाता हूं। तुम मुझे मारने की चेष्टा करते हो और तुम्हारा ये चापलूस रणवीर घायल हो जाता है। अरे तुम अपने राजमहल की रक्षा नहीं कर पाए फिर भी अपने आप को भगवान समझते हो। चुप रहे बुड्ढे, वरना वरना क्या? जाने भी दीजिए वासुदेव, जाने भी दीजिए, आप व्यर्थ इस पागल बुड्ढे के मुंह क्यों लग रहे हैं? बेटे रणवीर, लगता है तुम्हारी कुछ अक्ल ठिकाने आ गई। ईश्वर की अदृश्य लाठी की मार को तुम भूले नहीं हो, परंतु इन अंधों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे बोल कड़वा अमृत है पांडरक, और तुम्हारे इन चापलूसों के बोल मीठा जहर, इनसे बचो और समय से डरो। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने एक भक्त हनुमान के हाथों तुम्हारी पौंड नगरी को खंडहर बना दिया। यदि वो स्वयं तुम्हें दंड देने को आ गए तो तुम नरक की ज्वाला का निवाला बन जाओगे। वीर बने! नहीं स्वामी, नहीं। काकाश्री, आप यहां व्यर्थ ही चले आए हैं, चलिए। <आ, laughs>